Hello student, how are you all? Hope you all fine. Today we are going to discuss class 10th annual syllabus या second term जो आने वाला है उनका syllabus हम discuss करेंगे. क्या chapter delete होने वाले हैं, कौन सा chapter कितने marks का है और कौन से questions जो है delete होने वाले हैं, उन सब पे हम बात करेंगे. तो पहले इन questions के बारे में discuss कर लेते हैं, कौन कौन से chapter हैं, कौन कौन से questions हैं जो delete होने वाले हैं और कौन कौन से chapter ज्यादा weightage का है. तो पहले देखिए चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 9, 10, 11, 13, 14. टोटल 7 चैप्टर हैं वो टर्म 2 में हैं. और टर्म 2 का मतलब इस बार सब्जेक्टिव पेपर होगा, ऑब्जेक्टिव नहीं है. तो प्लीज थोड़ा उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करें, यानी क्वेश्चन का पैटर्न 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और 4 मार्क्स का होगा. तो प्लीज ध्यान रखें इस चीज को कि वेटेज जो चैप्टर ज्यादा है उसको ज्यादा इम्पोर्टेंस दें, उसको ज्यादा प्रिपेयर करें और उसमें से क्वेश्चन जो है कहीं छूटना नहीं चाहिए आपका. तो चैप्टर नंबर 4 जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और चैप्टर नंबर 5 है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है. टोटल 10 मार्क्स का है, दोनों इक्विवेलेंट चैप्टर है. तो मे बी 5-5 मार्क्स हम एज्यूम कर सकते हैं कि दोनों 5-5 मार्क्स के हो सकते हैं. चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट चैप्टर है. टोटल आई थिंक 13-14 क्वेश्चन है चैप्टर 9 में और 9.1 एक्सरसाइज है और 7 मार्क्स का ये कवर कर रहा है. बहुत ही सिंपल चैप्टर है, इसको आप देखेंगे तो आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा. देन चैप्टर 10 सर्कल्स और चैप्टर 11 कंस्ट्रक्शन 9 मार्क्स का है. तो सर्कल जो है आई होप 5 मार्क्स का होना चाहिए और कंस्ट्रक्शन 4 मार्क्स का होना चाहिए. कंस्ट्रक्शन ज्यादा कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है और इसमें भी कुछ पार्ट डिलीट है. सर्कल में कुछ भी डिलीट नहीं है तो मे बी ये जो चैप्टर है वो 5 या 6 मार्क्स का होना चाहिए. देन चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम 6 मार्क्स को कवर करता है. सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम 6 मार्क्स कवर करता है. और चैप्टर नंबर 14 स्टैटिक्स 8 मार्क्स का है. ये बहुत ही सिंपल चैप्टर है टर्म 2 के लिए, आप इसमें 40 out of 40 स्कोर कर सकते हैं. इतना सिंपल चैप्टर इस बार आपको टर्म 2 के लिए दे रखे हैं. ये चैप्टर वाइज हो गया. अब हम बात कर रहे हैं ओमिटेड टॉपिक्स. चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो बात कर रहे थे उसमें सिचुएशन प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ये आपके 4.3 और 4 के जो कुछ क्वेश्चन हैं जो रिड्यूसिबल मेथड से होते हैं. रिड्यूसिबल मेथड 1/x 1/y वाले जो क्वेश्चन हैं या 1/x+y को हम a अज्यूम करते हैं वो वाले क्वेश्चन है, वो रिड्यूस किए. ये मैंने एक्सरसाइज भी लिखी है बिकॉज कुछ क्वेश्चन इससे रिड्यूसिबल होंगे, इसलिए वो थोड़ा ध्यान दें उसका. चैप्टर नंबर 5 एप्लीकेशन इन सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अ सम टू एन टर्म. सम टू एन टर्म्स मतलब जो एन वाला टर्म लगता है एसएन वो भी सिचुएशन प्रॉब्लम में लगेगा. तो ये 5.3 के कुछ क्वेश्चंस हैं जो लास्ट क्वेश्चंस हैं वो सिचुएशन बेस्ड हैं, तो वो आपके ओमिट हो जाएंगे इसमें. देन चैप्टर 9 में कुछ भी नहीं है कट, यानी चैप्टर 9 कंप्लीटली हमारे सिलेबस में आ रहा है. तो इसके एग्जाम्पल्स और क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा आपको. चैप्टर नंबर 10 में भी कोई ओमिट नहीं हो रहा है, सर्कल में भी कुछ भी ओमिट नहीं हो रहा है. चैप्टर 11 से देखिए, चैप्टर 11 कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्रायंगल सिमिलर टू गिवन ट्रायंगल. ये आपके 11.1 में फर्स्ट क्वेश्चन के बाद सारे क्वेश्चन इस ट्रायंगल बेस्ड हैं. तो 11.1 का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सिलेबस में है, उसके बाद सारे ओमिट हो जाएंगे आपके. देन चैप्टर नंबर 13 फर्स्ट टर्म ऑफ अ कोण, ये 13.4 है, ये फॉर्मूला है फर्स्ट टर्म का, वो पूरा ओमिट कर दिया गया. मतलब 13.4 कंप्लीटली हमारी ओमिट हो चुकी है. देन चैप्टर नंबर 14 में स्टेप डिवीजन मेथड फॉर फाइंडिंग द मीन, ये मीन फाइंड करने का एक मेथड है. स्टेप डिवीजन मेथड, एज्यूम मीन मेथड और डायरेक्ट मेथड, तीन मेथड होते हैं मीन फाइंड करने के. इसमें से एक मेथड हटाया है, इसमें हम नहीं बोल सकते कौन से क्वेश्चन होंगे. आपको मेथड डायरेक्ट और एज्यूम आना चाहिए, स्टेप डिवीजन आपको नहीं पढ़ना है. देन कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी ग्राफ, ये 14.4 है बिकॉज 14.4 के सारे क्वेश्चन कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी यानी सीएफ से बनेंगे, तो वो आपके ओमिट हो गया. ये पूरा आपका सिलेबस है और ये ओमिट पार्ट है. इसको आप अपने घर में एक पेपर बना के लिख दीजिए जिससे आपको पता लगे जब आप रिवीजन करें कि ये चैप्टर ओमिट है और ये चैप्टर इतने मार्क्स का है, इतने वेटेज का है, जिससे आपको आगे प्रिपरेशन करने में बहुत इजी रहेगा. ये आपके माइंड में हमेशा रहना चाहिए कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है और कितना टाइम हम उसको देना चाहिए. अभी जो टाइम है ऑनलाइन टाइमिंग चल रहा है, तो आप प्लीज घर पे बैठ के इसको अच्छी तरह प्रिपेयर करें और अच्छे अच्छे मार्क्स स्कोर करें. आई होप आज का वीडियो समझ में आया होगा. इससे रिगार्डिंग जो हमने चैप्टर बना रखे हैं उनके वीडियो भी आप हमारे आओ पढ़े में देख सकते हैं और जो वीडियो चैप्टर के नहीं बना रखे हैं उसको बहुत जल्दी हम बनाने वाले हैं. तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें. थैंक यू.